योग से जुड़े कई छोटे छोटे प्रश्न हमें परेशान करते हैं, जैसे योग करते समय किस तरह का योग मैट इस्तेमाल करें, क्या मोजे पहनकर योग करना चाहिए। तो जानिए ऐसे सवालों के उत्तर। प्रश्न, सद्गुरु, क्या हम योग करते समय मोजे पहन सकते हैं और हमें किस तरह के योग मैट का इस्तेमाल करना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं, योग का अभ्यास करते समय मोजे पहनना जरूरी नहीं है। अगर आप सही तरीके से हठ योग करते हैं तो यह आपके शरीर में काफी गर्मी पैदा करता है, कोशिका के स्तर पर उष्ण यानी गर्मी पैदा होगी। एक बार ऐसा हो जाए फिर आपको ठंडे देश में भी ठंड महसूस नहीं होगी। आपके शरीर के कुछ बिंदु ऐसे हैं जो आपस में छूने पर कुछ खास प्रभाव पैदा करते हैं। हठ योग की कई मुद्राओं में आपकी एड़ियों और पैर के अंगूठों का आपस में स्पर्श करना जरूरी होता है। वह एक तरह से सर्किट पूर्ण होता है। मोजे पहनने पर आप उस प्रक्रिया में बाधा डालेंगे। योग करते समय आपका पहला रिश्ता धरती के साथ एक होने का होता है। धरती के संपर्क में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा कर सके तो हठ योग में अधिकतम असर के लिए आपको कच्ची मिट्टी की एक जगह तैयार करनी चाहिए और कच्चे सिल्क या कच्चे सूती कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कपड़े पहले से सिकुड़े हुए नहीं होने चाहिए, फिर आप उन पर योग कर सकते हैं। हो सकता है कि आप भूल गए हो, मगर शरीर को हमेशा याद रहता है कि वह धरती का ही एक अंश है। जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो आप उसे अपने लिए एक चेतन और जीवंत प्रक्रिया बनाना चाहते हैं, ताकि आप जिस धरती पर रहते हैं उसके साथ खुद के एक होने को महसूस कर सके। आपकी 80% सेहत इस पर निर्भर करती है कि धरती के साथ आपका तालमेल कैसा है। धरती के साथ जुड़ाव रखने पर आपकी 80% स्थायी बीमारियां गायब हो सकती है। मैं जानता हूं कि ईशा के रबर के योग मैट्स मिलते हैं, मुझे बताया गया। सद्गुरु, सूती मैट जल्दी गंदे हो जाते हैं, उन्हें कौन धोएगा, इसलिए हमने रबर मैट बनाए। और ये भी बताया गया, सद्गुरु, ये एक खास मटेरियल है जो वाकई आपको बाहरी संपर्क से बचाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप यहां जीवन का अनुभव करने आए हैं या जीवन के संपर्क से बचने। अनजाने में आप कई रूपों में खुद को जीवन से बचा रहे हैं। आप जानते होंगे कि आप इंसान से अधिक बैक्टीरिया है। जीवाणु लगातार आपके शरीर के अंदर और बाहर आ जा रहे हैं, वे सिर्फ शरीर के भीतर नहीं है। अगर आप खुद को अलग थलग कर देंगे तो वह भी अपने आप में एक बीमारी है। अगर आप बाकी दुनिया से खुद को बचाएंगे तो आप जो है उसकी संभावना लगातार कम होती जाएंगी। इसीलिए अगर आप घरेलू व्यक्ति है यानी रोज सुबह एक ही घर में जागते हैं, तो योग के लिए सूती या कच्चे सिल्क का मैट इस्तेमाल करना सबसे बेहतर होगा, क्योंकि आपको धरती से जुड़े रहना चाहिए। जैविक पदार्थ इसे संभव बनाते हैं ताकि धरती से आपका रिश्ता न टूटे। धन्यवाद।